कि हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, हम निकालते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ। हमें इंटरवल जब बड़े गिवन होते थे हम क्या करते थे, छोटे इंटरवल में उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालते थे। इंटीग्रेशन में हम छोटे इंटरवल से बड़े इंटरवल को निकालेंगे। जैसे हमें गिवन होता था डेल्टा एक्स, हम क्या निकालते थे डिफरेंशिएशन में, डी एक्स डेरिवेटिव। अब क्या होगा, डी एक्स हमें क्या निकालना होगा, डेल्टा एक्स। कैसे निकलेगा, अगर कोई भी ड्राइवर जर्नी कवर कर रहा है डी एक्स 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 डी एक्स, तो छोटे छोटे इंटरवल कवर कर रहा है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को बड़ा चेंज निकालना है। तो अगर मुझे डी एक्स से बड़ा चेंज डेल्टा एक्स निकालना है तो मुझे मिलाना पड़ेगा सभी एलिमेंट्स को। मिलाने को क्या बोलते हैं, क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ठीक है, डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते थे, रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते थे, इसको क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको कैसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही स्टाइल है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ये एस लंबा सा, ये इंटीग्रेशन है। तो जब ये टर्म आएगी इसका मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन में विद रिस्पेक्ट टू नीचे होता था डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू कहां होता है, न्यूमिनेटर में। तो कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी चीज को डिफरेंशिएशन में लिखा जाए तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन में डी की जगह क्या आ जाएगा, ये सिंबल, डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन, किसकी, एक्स की, विद रिस्पेक्ट टू नीचे की जगह क्या आएगा, ऊपर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसके इसमें इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर देखो क्या रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो लिखना और रीड करना आ गया, कैसे इसको बोलना और लिखना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसका पहले फॉर्मूले पे चलते हैं, इसका पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखें इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो नॉर्मली अब हम किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वन की, किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वन की, वन इज अ कांस्टेंट। अगर डिफरेंशिएशन होती कांस्टेंट की तो आंसर क्या आता, जीरो, इसमें जीरो नहीं है। तो इसका आंसर है एक्स। तो पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। आप कहेंगे ये क्या रूल है, रूल बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। अगर आप ध्यान से देखें आपका आंसर क्या आया, एक्स, आपका आंसर एक्स आया। अगर आप इसे रफ में साइड पे डिफरेंशिएट कर दें तो आंसर क्या आएगा, वन। तो जो जो आंसर आते जाएंगे अगर मैं उन्हें डिफरेंशिएट करता जाऊं तो मेरे पास वही नंबर आएगा जिसकी मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन उल्टा है। तो पहला फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया कि वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन। पर आपको ये रूल लगा के देखना नहीं है, आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर वही आएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एक्स, राइट। कई बुक्स में इसके पीछे लिखा होगा कॉन्स्टेंट,
मैथ्स का रूल है, जब आंसर आता है इसमें तो पीछे कांस्टेंट लगता है। आप कहेंगे ये क्या रूल है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट क्या शो करता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, मैं इसका आंसर भी दे नहीं पाऊंगा। हाँ, एक दो लेक्चर्स में जब मोशन स्टार्ट करेंगे इसका आंसर आपको अपना मिल जाएगा। तो अगर आपकी बुक में या कोई टीचर पीछे लिखता है कांस्टेंट, तो बस आप लगा देना फॉर्मेलिटी से कांस्टेंट है, पर हाँ फॉर्मूला आपको ये याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लो यहाँ एक कांस्टेंट है dx, अगर यहाँ पर 1 नहीं है, 5 है, 2 है, 3, कुछ भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट्स बाहर आ जाते थे, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं, तो इसको बाहर निकाल लो, तो अपनी जगह क्या देगा ये 1, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होता है 5, तो 5 बाहर आएगा तो 1, लेकिन 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू x। मैं पीछे कांस्टेंट लिखूंगा नहीं, अननेसेसरी लिखने का मतलब भी मन में सोच रहे कि कांस्टेंट लगता है, इतनी जरूरी भी नहीं है यहाँ भी इस टाइम लगाना, मेन जरूरी है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। क्लियर है? तो कोई भी अगर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो अपनी जगह क्या देगा 1, और 1 dx का पहला फॉर्मूला क्या होता है x, आगे मतलब x इंटू 5 लगा लो, हाँ 5 इंटू 5, हाँ आएगा ना, बोल तो रहा हूँ आपने लगाना है तो लगाओ ना, ये लो, मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो ये कांस्टेंट यहाँ लगाना है, हाँ आएगा 5, कांस्टेंट है 5, बाहर आ गया तो 1 dx बच गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो या तो 5 इंटू x प्लस कांस्टेंट आएगा या 5x प्लस कांस्टेंट आएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस दे ही नहीं पा रहा आप लोगों को कि कांस्टेंट लगता क्यों है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वजह से मैं आज इस लेक्चर में कांस्टेंट को यूज़ ही नहीं करने वाला, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की जगह एक और मेथड होता है कि जिसे कांस्टेंट लगाने हम बंद कर देते हैं, मैं एंड में बताऊंगा वो क्या मेथड है। तो इसलिए आज के लेक्चर में मैं कांस्टेंट लगाऊंगा नहीं, तो मैं ऐसी इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। हाँ, अपने मन में आपने एंड में लिखना है या बुक्स रीड करेंगे पीछे कांस्टेंट लिखा होगा, आप फॉर्मेलिटी से एक लगाते जाना, लेकिन जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता लगेगा आप कैसे आगे बढ़ोगे यार, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे उस कांस्टेंट को। तो इसलिए मैं इस कांस्टेंट को यूज़ ही नहीं करूँगा। हाँ, जिस दिन मुझे यूज़ करना होगा उस दिन बताऊँगा देखा हमने कांस्टेंट क्यों लगाया था, अदरवाइज आज यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। जब मैं बता ही नहीं पा रहा उस कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। मेरे को बेसिक इंटीग्रेशन सिखानी है, ये फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं। तो इसलिए आप कांस्टेंट के चक्कर में ना पड़ें, आप ये समझें कि 5 बाहर आ गया, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है 5x। फिर देखें, जैसे अगर मान लो यहां पर आ जाता है 7 dx, तो 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 dx, 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो आंसर क्या आएगा 7x, 1 dx की x होती है, कैसे होएगी 1 dx की x है, और किसी की इंटीग्रेशन सेम आंसर कैसे हो सकती है, क्यों, रूल भी तो फॉलो कर रहे हैं ना, x की डिफरेंशिएशन 1, कुछ और कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही होता है ना। अब तुम ये कहोगे a प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, क्या किसी और चीज़ का फॉर्मूला भी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, नहीं होता। ये पहला फॉर्मूला है, अगर यहाँ कुछ नहीं भी लिखा हुआ, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा तो भी x है, क्योंकि कुछ नहीं लिखने का मतलब 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है। अगर ये 1 dy होता, हाँ ये पूछ सकते हो कि अगर मान लो ये होता 1 dy तो आंसर बोलो क्या होता y, अगर ये होता 1 dz तो आंसर क्या होता ऐसे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर है, राइट। तो आपकी बुक्स में फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू डीएक्स, ये फॉर्मूला है, वो कहता है कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो क्या बचा 1 डीएक्स, और 1 डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स। वो तो बात एक ही है, इसको क्या याद करना, जब यही कर लिया हमने 7, 4, 5 जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकालना सीख गए, तो इस फॉर्मूले को तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक क्लियर है।
इसको यूज़ करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे मत बढ़ना अगर ये नहीं अगर आपको आया, क्योंकि यही इसका मेन चीज़ है, पावर फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में जिसको पावर रूल नहीं आता उसको डिफरेंशिएशन नहीं आ सकती, इंटीग्रेशन में जिसको पावर रूल नहीं आता उसको इंटीग्रेशन नहीं आ सकती। तो पावर रूल कैसे लगाना है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 dx, मान लो एक्स की पावर है 4, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक, रूल है, ध्यान से पहले सीखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे। रूल है, किसकी पावर 4 है, एक्स की, कितनी पावर है 4 है। डिफरेंशिएशन में हम पावर को नीचे उतारते थे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें जितनी भी पावर है सब्ट्रैक्ट 1 नहीं करते, ऐड 1 करते हैं। तो जितनी भी पावर है, कितनी 4, उसमें 1 ऐड कर दो। डिफरेंशिएशन में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटीग्रेशन में 1 ऐड कर दो। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय जो पावर है 4 + 1, उसी से इसे डिवाइड भी कर दो। तो क्या रूल सिखाया, एक्स की जो भी पावर है 1 बढ़ा दो, उस पावर से इसे डिवाइड कर दो। राइट, एक चीज कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, dx/dx। तो dx/dx इस बार न्यूमिनेटर में नहीं आता, डिनोमिनेटर में आता है। डिफरेंशिएशन में न्यूमिनेटर में आता है, इसमें डिनोमिनेटर में आएगा। कैसे, किसकी पावर 4 है, एक्स की। तो यहां पर d/dx ऑफ, अगर 4 पे हाथ रख लें तो क्या दिखता है आपको, वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, पर डिवाइड करना पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, एक्स की पावर 5/5। फिर देखो एक बार एग्जाम्पल, एक्स की पावर 8 dx, तो आंसर क्या होगा बोलो, एक्स की पावर 9/9, एक पावर बढ़ गई 9/9, और 8 पे हाथ रखेंगे तो क्या लग रहा है, dx। तो इसको लिखेंगे, पर इसका आंसर क्या आएगा, 1, तो आंसर इज एक्स की पावर 9/9। क्लियर, इतना लिखो, फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं इसकी। और एक आध बार चेंज होगा, मतलब हमारी फिजिक्स में कम यूज होता है, हमारी फिजिक्स में dx/dx 99% 1 नहीं दिखेगा आपको, एक आध केस में 1 नहीं दिखेगा, मैं करवा देता हूं, कम नहीं दिखेगा। इतने कॉम्प्लेक्स आते नहीं है, ठीक है, ओके। फिर देखो, जैसे इसका अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो तो मैं फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, एक्स की पावर एन डी एक्स, बोलो क्या होगा, एक्स की पावर n+1/n+1/dx/, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, अब तो जरूरत भी नहीं याद करने की, अब तो सीख ही लिया लगाना, तो ठीक है, याद मत करो, हो गया ठीक है यहाँ तक। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करें, तो जो इस फॉर्मूले को आप एक बार लगा के देखें एग्जांपल्स में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, पहला क्वेश्चन है, 2x²dx दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 1/√x तीसरा क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं।
देखो यहां पे काफी लोग गलती कर देते हैं, एक्स डी एक्स, वन डी एक्स क्या होता है एक्स, ये क्या है एक्स डी एक्स। कई लोगों ने एक्स कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, एक्स कब से कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो एक्स एक्स चल रहा है, वेरिएबल है, तो एक्स की पावर क्या है वन, तो एक पावर बढ़ा दो, बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू आंसर। डी एक्स बाई डी एक्स तो वन ही है, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, यही आया सबका आंसर, ठीक है यस ओके। नेक्स्ट, सेकंड में टू कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई डाउट, ऐसे किया टू कांस्टेंट बाहर आ गया ना, तो टू बोलो इसकी पावर क्या है थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, कोई डाउट इसमें, आंसर कांस्टेंट बाहर आएंगे अदरवाइज तो पावर रूल लगेगा, एक पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड। अच्छा इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ऊपर चली गई कितनी माइनस हाफ, अब पावर रूल क्या कहता है एक्स की वैल्यू माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ, तो एक्स की वैल्यू हाफ अपॉन हाफ, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा टू इंटू एक्स की पावर हाफ, कोई डाउट इसमें, वन बाय टू का उल्टा टू बाय वन हो गया, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो इसमें एक्स की पावर माइनस हाफ है, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन, तो एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो हाफ सीधा अगर लिखेंगे तो टू हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, टू टू रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक ओके। नेक्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट रूल है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ जैसे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डीएक्स, दो टर्म्स की इंटीग्रेशन और बीच में सिंबल प्लस, हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी किया था, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसे करते थे, इसके अंदर भी ऐसे ही है, ये ध्यान से देखना है प्लीज, ब्रेक कर लो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप विद रिस्पेक्ट टू ना करें, और ये पूरी इंटीग्रेशन दोनों की विद रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स डीएक्स, तो यहां पर डीएक्स लगेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे ब्रेक करना है, मतलब डीएक्स भी दोनों तरफ जाएगा और इंटीग्रेशन का सिंबल भी दोनों पे लगेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों में जाएगा, ब्रेक करना आ गया। अब ये दो क्वेश्चन बन गए इंटीग्रेशन के, बोलो इसका आंसर क्या होगा, एक्स रेस टू पावर थ्री बाई थ्री, इसका आंसर क्या होगा एक्स की पावर, पहला स्टेप क्लियर है, और अगर यहां पर माइनस होता तो ये माइनस तो ये भी अलाउड है, क्लियर है यहां तक। तो इसमें जो रूल है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म डीएक्स अगर करनी हो तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें, पर फॉर्मूला याद करके क्या फायदा, हमने तो कर ही लिया, यूवी का क्या करेंगे, समझ में आ गया हमें कैसे ब्रेक करना है, और अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, डन। पॉइंट सबको क्लियर है, तो न्यूमेरिकल्स करें इसके ऊपर, और हाँ इंटीग्रेशन ऑफ, आप सोच रहे होंगे फिर तो यू इंटू वी का भी होता होगा, फिर यू अपॉन वी का भी होता होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में था, होता है यू इंटू वी, पर हम प्लस वन प्लस टू में से यूज नहीं करेंगे, ये मैथ्स के लोग करते हैं, हमारे हमें चाहिए नहीं, हमें बस प्लस माइनस का काम, इंटीग्रेशन छोटी आज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी 15-20 मिनट में बस, तो ये नहीं यूज करेंगे, बस प्लस माइनस में चलेगा, क्लियर है, तो लिखें कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोल रही हो फोर डी एक्स, ये फोर बाहर आ गया तो क्या बचा, तो आंसर इज फोर एक्स, नहीं वन डी एक्स बच गया ना, एक्स होता है। इस न्यूमेरिकल को करें प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाय टू बाय रूट एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इन दोनों को करें। ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस टू डी एक्स, सबने ऐसे किया राइट right? इसको ठीक तरह करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट आ गया तो क्या बचा, वन डी एक्स। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, पावर रूल लगा लें, फॉर्मूलाज लगाएं, बोलो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, इसका क्या आएगा माइनस वन बाय माइनस वन, इसका क्या आएगा सिर्फ एक्स आंसर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? सबने ऐसा किया? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन करें आप। सेकंड क्वेश्चन हुआ, हाँ आएगा, वो तो नेक्स्ट स्टेप में आ ही जाएगा, मेरा काम तो इंटीग्रेशन करके दिखाना है, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ऐसे ब्रेक किया सबने। तो एक्स का मतलब क्या है, रेज टू पावर हाफ, ठीक हाफ, टू बाहर आ गया, एक्स जब ऊपर जाएगा माइनस हाफ एक्स डी एक्स, टू बाहर आ गया वन डी एक्स। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? चेक करो प्लीज, देखो इसकी जगह हाफ, टू बाहर आ गया कांस्टेंट तो ये ऊपर जाएगा माइनस हाफ, थ्री बाहर आ गया एक्स डी एक्स, टू बाहर आ गया वन डी एक्स। क्या ये रूल सबको क्लियर है? ठीक, फॉर्मूला लगा लें, पहले का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस वन क्या होता है थ्री बाई टू, माइनस टू इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है हाफ, थ्री इंटू एक्स की पावर वन है तो एक्स स्क्वायर बाय टू, और टू इंटू वन डी एक्स क्या होता है एक्स आंसर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन की सिंप्लीफाई करके इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक तरह करके लिखना है और पावर रूल लगा देना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप फालतू किया, इसको उल्टा करके रखा तो 2 इंटू टू फोर हो गया, हाँ इट्स ओके, पर मैं तो इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन तो इट्स ओके, जितना मर्जी करो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो फिर। इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 माइनस 3x dx। ठीक, देखो तो ब्रेक करें, इंटीग्रेशन ऑफ, एक बात बताओ इसको इसका मतलब क्या होता है? एक्स रेज टू पावर 1/3 होता है, प्लस 1/2 डी एक्स माइनस 3x डी एक्स। तो इसको ऐसे ही लगे रहने देते हैं, अभी अगले स्टेप में करूँगा इंटीग्रेशन इसकी। हाफ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा? 1 डी एक्स। 3 बाहर आ गया, क्या बचा? x डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन बोलो क्या होगी? x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1, जो कि क्या होता है? 4/3। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? x। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x स्क्वायर बाय 2, इसकी पावर क्या है? 1, x स्क्वायर बाय 1। सर क्या है पॉइंट? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो सही है इंटीग्रेशन भी। ठीक है, ठीक। अब एक चीज देखो, एक नई चीज दिखाता हूं, और मैं तो क्या दिखा रही, आप खुद देखना, एक्सपीरियंस करना। ये देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डी एक्स, 1/x³ डी एक्स, 1/x डी एक्स, तीन क्वेश्चन है, करो स्टार्ट। इसको -2 लिखेंगे, इसको x की पावर -3 dx लिखेंगे, इसको x की पावर -1 dx लिखेंगे। बोलो पहले केस में आंसर क्या आएगा? बोलो x रेज टू पावर कितना? -1 बाय, ठीक है। दूसरे में बोलो x की पावर माइनस, कोई डाउट इसमें? इंपॉर्टेंट, जब ये रूल यहाँ लगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? मैथ्स में जीरो, डिनोमिनेटर में अलाउड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। यहां पर पावर रूल फेल हो गया, गलत। आपको ये कैसा रूल है? पावर रूल भी फेल हो जाता है, सब में चल रहा है, ये बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही, पर पावर रूल 1/x में फेल हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में क्या देगा? जीरो। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो 1/x के केस में आप पावर रूल नहीं लगा सकते, जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं थी, इंटीग्रेशन में ऐसी एक्सेप्शन है, तब पावर रूल नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें अगर पावर रूल नहीं लगाएंगे? तो फिर फॉर्मूला नोट करें, अगर पावर रूल नहीं लगाने को दे रहा तो लो फॉर्मूला लिखो। क्या नेक्स्ट फॉर्मूला इज? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स इज log ऑफ x। पता है क्यों? क्योंकि log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी? 1/x। ये देखो, तभी तो 1/x से सही पावर रूल चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि 1/x का पावर रूल काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आंसर log x देगा, क्योंकि log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 1/x। अब बिल्कुल सही हो गया। तो 1/x जब भी आएगा तो आप पावर रूल नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे मैं भूल गया, तो हाँ तो भूल गया, तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? जीरो। जब जीरो आएगा, याद आएगा, तो ऐसे केस में नहीं क्या लगाना होता है? लॉग एक्स। एक चीज पीछा नहीं छोड़ेगी, ये अगर एक्स है तो ये एक्स है, डिवाइडेड बाय इसको भी नीचे लगाना पड़ेगा, वो अलग बात है कि आंसर वन है, लगाना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 1 dx है मान लो, ठीक,
अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप इसमें साइड पे पावर रूल लगाते हो, रेज टू पावर माइनस वन करके पावर रूल लगाते हो, प्रॉब्लम फिर वही है, पावर रूल में डिनोमिनेटर में फिर से क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब यहां पर भी क्या लगेगा, लॉग लगेगा। तो जहां जहां जीरो आएगा वहां वहां लॉग लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ क्या, 2x+1। क्या स्टेप क्लियर है, ये आ गया, लेकिन डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, 2x+1। तो ये तो रहेगा ही रहेगा साथ में, तो ये चीज लॉग क्या आ जाएगी, और नीचे इसकी क्या करनी पड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसमें क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय, नीचे डिफ्रेंशिएट करो, डी बाय डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई करो, 2 बाहर आ जाएगा, और डी बाय डी एक्स ऑफ कितना, 1। इसकी ये टर्म क्या आएगी, 0, ये क्या आएगा, 1। तो आंसर पता है क्या आएगा, आंसर आएगा लॉग ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय 2। बस, तो स्टेप समझ में आया कि जहां जहां पावर रूल, देखो हो सकता है आप लॉग ना पहचान पाए, पर जब आप पावर रूल तो पहचान ही पाएंगे। पावर रूल में जहां डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, समझो लॉग लगाते हैं, बात खत्म। तो जो भी टर्म है वो ये टर्म और ये टर्म। कोई डाउट इसमें, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? हाँ, डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। एक शॉर्टकट है मेरे पास, अगर आप नहीं करना चाहते तो जो भी x का कोफिशियंट होता है ना उसे डिवाइड कर दें, ये पूरा स्टेप बच जाएगा। देखो इसमें x का कोफिशियंट क्या है, 2, इस पूरे की जगह 2 से डिवाइड कर दें, एक स्टेप में आंसर आएगा, शॉर्टकट है ये, ज़्यादा आसान लगता है लोगों को। x का कोफिशियंट से डिवाइड कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली आएगा तो x का कोफिशियंट ही ना। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एक्स स्क्वायर हुआ, लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। वो कहता है जी अगर ये x2 2x2+1 हुआ फिर तो नहीं कर पाएंगे, कर देते हैं, एक मिनट रुको जरा, करें स्टार्ट। ये क्लियर है यहाँ तक? तो लो अगला क्वेश्चन है कि सपोज, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, ये कहता है अगर ये 2x2+1 होता फिर, तो काफ़ी लोग सोचेंगे इसकी पावर 1 है, पावर रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रेज टू पावर माइनस 1 होगा, पावर रूल काम नहीं करेगा। तो बोलो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ कितना, 2x2+1 डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ कितना, 2x2+1। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये गलत है, पावर रूल लॉग का फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब x की डिग्री 1 होती है, 2 में काम ही नहीं करता। तो आप ना तो पावर रूल लगा सकते हैं, अगर ये ब्रैकेट चल रहा है ना और यहां पर x की डिग्री 2, 3, 4 कुछ भी चल रही है, 1 नहीं चल रही, ना तो आप पावर रूल लगा पाएंगे ना आप लॉग लगा पाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। फिर वो मैथ्स के टीचर +2 में बताएंगे सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है जो इसको ठीक करता है। तो इसलिए आपको डिग्री हमेशा क्या आएगी, 1 के साथ आएगी। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर कोई अगर पूछे कि इसमें क्या लॉग का फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, क्या इसमें पावर रूल लगेगा, नहीं लगेगा। तो पावर रूल में बड़ी एक्सेप्शन है, इंटीग्रेशन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में पावर रूल लग रहा है, ना तो 1/x में लगा, ना ही अगर मैं यहाँ लॉग, मैंने एक फॉर्मूला जो है ड्राइव किया लॉग का, तो सोचा कि चलो अब बच जाऊंगा, अब तो कर ही लूंगा, नहीं, अगर यहाँ पावर क्या चल रही है, 2 की जगह 1 है, तो लॉग लगेगा, नहीं तो लॉग भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आप कर ही नहीं सकते इसमें। डिफरेंशिएशन में कोई टेंशन नहीं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, चलने दे बस सर क्वेश्चन में, वो नहीं कहता, वो कहता जो मर्जी ले आओ पावर उस सब में लगाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं लगा सकता। क्लियर है? तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे ही नहीं, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसलिए मैं इस रास्ते जाऊंगा ही नहीं जिस रास्ते में जाना ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे नहीं प्रैक्टिस। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। जैसे अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x+1/x-2+2x2 dx, ब्रेक करेंगे, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ब्रेक किया,
इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, dx dx सबके साथ, क्लियर है? और आखिरी टर्म में टू कॉन्स्टेंट आ रहा था, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, क्लियर है? ठीक, आंसर बोलो, x इसकी इंटीग्रेशन बोलो क्या होगी, x स्क्वायर बाय 2, इसकी बोलो क्या होगी, log x, log x, बिल्कुल सही, इसकी क्या होगी, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो 1 dx क्या होता है, x, और इसकी क्या होगी, x क्यूब बाय 3 पावर एट x क्यूब बाय 3, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, तो इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देख लो, ठीक है, फॉर्मूला नोट करो, बस खत्म ही इंटीग्रेशन, साइन कॉस के साथ इसको, एक दो तीन फॉर्मूलाज हैं छोटे छोटे, तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या थी, कॉस एक्स, यहां पर क्या होती है, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये नहीं पीछा छोड़ता भाई तुम्हारा, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, तो जो एंगल यहां पे होगा वो एंगल यहां पे होगा, वो एंगल यहां भी होगा, क्लियर है फॉर्मूला? जैसे एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx, बोलो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ, बोलो क्या, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ कितना, बोलो 2x प्लस 1, क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, ये जीरो हो गया, तो आंसर क्या आया, माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 2। शॉर्टकट बताऊं, यहां अगर ये स्टेप नहीं देखना चाहते तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा, सर अगर ये x का क्या होता, स्क्वायर होता, फिर क्या करते, तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है उसमें, तो स्क्वायर जहां पावर x की पावर 2-3 हो जाएंगी अंदर ब्रैकेट में, वो इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं है, इंटीग्रेशन हम आगे कर ही नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ी है, हमारी मजबूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, 1.5-2 महीने का काम है, डिफ्रेंसिएशन जल्दी खत्म होती है, इंटीग्रेशन थोड़ा लेट खत्म होती है, तो इसलिए हम वो कर नहीं रहे और ना ही हमें चाहिए, तो जब चाहिए ही नहीं तो क्यों करेंगे। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर साइन और कॉस आया तो इसकी डिग्री 1 ही मिलेगी आपको, तो इसलिए शॉर्टकट भी कर सकते हो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, इसमें चल पाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से फॉर्मूला इज नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखें, साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय, देखो ये यूज नहीं होते, मैं लिख रहा हूं साइन कॉस तक यूज होते हैं, टैन कॉट यूज नहीं होते, हाँ लिस्ट में लिखवा रहा हूं, अगर चाहिए होंगे तो यूज कर लेंगे, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं आपको, ये लिख रहा हूं, चाहिए नहीं, लेकिन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस कॉट सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स पर टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स, कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, राइट? तो क्या है पॉइंट क्लियर है?
तो ऐसे ही एक आध फॉर्मूला और है, कोसीकेंट एक्स का है, कोसीकेंट माइनस कॉट, राइट right? तो ये दो तीन, ये तीन चार फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लेकिन इनमें से मैं यूज करूंगा नहीं, मेरे को चाहिए नहीं होगा, साइन कॉस तक लास्ट में यूज करूंगा। और लास्ट है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। और यूज तो मैंने बता दिया, पावर रूल, लॉग का रूल और साइन और कॉस, बस ये लिख दिए, कभी चाहिए हो तो रेफर कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज हमें फिजिक्स में चाहिए नहीं वैसे ये, ठीक है। यहाँ तक बुक्स में लिखे हैं तो मैंने भी लिख दिया, अदरवाइज रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक होमवर्क देना है, और वो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में उसके बेस पे, ठीक, उसके बाद आप जा सकते हो। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? लिख लिए फॉर्मूलाज? ओके, हाँ हाँ लिखो। ठीक है, देखो जो इंटीग्रेशंस हम यूज कर रहे हैं ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि आंसर x की फॉर्म में आता है, कोई डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, जैसे 5, 4, 3, 2 नहीं आ रहा। अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे यूज, अब उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करनी है और कैसा दिखता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, पहले देख लो प्लीज। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, आपको ये तो मुझे पता है एक्स क्यूब बाई थ्री, बिल्कुल सही। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो नंबर गिवन होंगे, एक नंबर यहां होगा, कोई भी 1, 2, 3, -1 में कुछ भी, एक नंबर नीचे गिवन होगा, एक नंबर ऊपर गिवन होगा, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, नंबर्स गिवन होते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ये नंबर क्या शो करते हैं, बट अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब बाय थ्री, बिल्कुल वैसी करनी जैसे पुरानी करते हो। यहां पे आपने ब्रैकेट लगाना है और जो नंबर यहां गिवन है वो यहां ले लेना है, तो क्या ले लिए, 1 और 2, सब कुछ सेम है, 1 और 2, फिर क्या करना है, देखो x इज अ वेरिएबल, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, एक मिनट यार, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ध्यान से देखना, x इज अ वेरिएबल, एक बार अपर लिमिट तो क्या आएगा, एक्स की जगह 2, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट, दोनों को माइनस, माइनस ही करना है, क्या आएगा 7/3, डेफिनेट आंसर है, नोट करो, नोट करो इसे एक बार, क्या हो गया आवाज को, क्या हो गया यार, तो क्या किया, इंटीग्रेशंस जैसी हैं वैसी की वैसे की, ब्रैकेट के वहाँ नंबर लगा लिया, उस नंबर में x की जगह एक बार अपर लिमिट, x की जगह एक बार लोअर लिमिट, और फिर दोनों को क्या कर लिया, माइनस, राइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है यहाँ तक? फिर से
एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, ये वन और टू यहाँ लगा लिए, एक्स इज अ वेरिएबल, एक बार एक्स की जगह टू पुट किया, एक बार एक्स की जगह वन पुट किया और दोनों को माइनस। इस क्वेश्चन को करना जरा, एक्स डी एक्स माइनस वन से माइनस टू, एक्स डी एक्स माइनस वन से माइनस टू, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है तो बता दो, एक्स स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां, माइनस वन से माइनस टू, कोई डाउट इसमें? सही है यहां तक? एक बार x की जगह अपर लिमिट बोलो क्या, माइनस टू, एक बार x की जगह लोअर लिमिट कितनी, माइनस, दोनों को माइनस, तो क्या आएगा, फोर बाई टू माइनस वन बाई टू कितना, क्या स्टेप क्लियर है? सेम ही तो, कोई फर्क ही नहीं है। नॉर्मल इंटीग्रेशंस करो, लिमिट लगाओ, अपर लोअर पुट करो और फिर माइनस कर दो, कोई डाउट इसमें? तो मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन आपको अगली बार करके लाने, उसके डाउट्स लेंगे। बेसिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, जो भी हमने किए उसी के बेस पे है।